जय बापू दी। ओम बापू नंदा चोर वालिया, आपकी सदा ही जय हो। जय। जो जो प्रसंग चर्चा है आज की, वो मीरा जी के बारे में है। और ये शुरुआत होती है जोधपुर के राजा राव दूदा का महल है। महल में जो राव दूदा है, उनकी पत्नी जो है उनका नाम है प्रभावती, और वो पूजा कर रही है। राव दूदा की पत्नी प्रभावती पूजा कर रही है, और जब उनकी पूजा खत्म हो जाती है तो वो उठती हैं और उठ के जो है सूर्य को अर्घ देती हैं, प्रभावती। तो रानी प्रभावती जब अर्घ दे देती हैं तो बुलाती हैं, ओ दासी ओ दासी। दासी आती है, दासी कहती है, आज्ञा महारानी जी, जा देख तो मीरा कहाँ है। उनको बुला रहे हैं कि जा देख तो मीरा कहाँ है। अब दासी जाती है, जैसे ही दासी ढूंढने जाती मीरा को देखने जाती है, उसी समय महल के अंदर जो राव दूदा का महल है उसके अंदर गुरु रविदास जी और राव दूदा दोनों अंदर प्रवेश करते हैं। अब रानी प्रभावती देखती है कि वे गुरु रविदास जी आए हैं और राव दूदा के साथ हैं, तो वो जो है कहती है, पधारिए पधारिए महाराज, हमारे अहोभाग्य जो आपने दर्शन दिए, आइए बैठिए। और तेजी से जाती है महारानी, और जो स्वर्ण पीठिकाएं, जैसे छोटे छोटे चकोर वो बने होते हैं बैठने के सोने की, वो लाती हैं और उस पे दोनों बैठ जाते हैं। वो गुरु रविदास जी को और राव दूदा जी को बिठाती हैं। अब राव दूदा जी भी बुलाते हैं, मीरा बेटी कहाँ हो। अब रानी कहती है, मीरा तो यहाँ नहीं है, मैंने अभी दासी को भेजा है बुलाने के लिए, कहाँ गई है मीरा। तो यही बगीचे में होगी, रानी कहती है यही बगीचे में गई होगी, मीरा भेजा है देखने के लिए। अब जो राव दूधा है वो गुरुदेव जी पास में बैठे हैं, तो गुरुदेव से कहते हैं कि गुरुदेव, पता नहीं मीरा के हृदय में तो दिन प्रतिदिन श्री कृष्ण की भक्ति बढ़ती ही जाती है, संसारिक सुखों से तो उसे कोई लगाव ही नहीं है, और मैं तो कभी कभी बड़ा चिंतित हो उठता हूँ। अब गुरु रविदास जी कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम लोगों को मीरा जैसी बालिका के लालन पालन का अवसर मिला। अब वाह दूधा कहते हैं, अब वो सयानी हो चली है महाराज, मुझे डर है कि कहीं ये वैरागी ना हो जाए, ना किसी का मोह ना माया, रात दिन गिरधर के गुण गाती है, नए नए पद बनाकर गाती है और प्रभु को रिझाती है। उसी समय दासी आती है, तो राव दूधा पूछते हैं कि मीरा मिली, कहाँ गई थी मीरा। अजी वो बाहर बगीचे में बैठी है, हर समय एक ही धुन। राव दूधा कहते हैं, हर समय एक ही धुन, जा बुला के ला उसको, कहना गुरु रविदास जी पधारे हैं घर में। अब रविदास जी कहते हैं कि नहीं, उसे मत बुला। वो कहते नहीं बुला ला, कहते नहीं उसे मत बुलाओ, चलो हम लोग वहां चले जाते हैं, मैं भी तो सुनू मीरा कैसा गाती है, और फिर मुझे थोड़ी देर बाद संध्या वंदन भी करना है शाम को, तो अच्छा वातावरण मिलेगा, मैं बगीचे में बैठ के संध्या आरती कर लूंगा। अब राव दूधा जी तो गुरुदेव की बात टालते नहीं, उनको लेके बगीचे में चलते हैं। दोनों जाते हैं, अब राजमहल का बगीचा है बड़ा सुंदर, और वहां जाके देखते हैं कि मीरा एक चबूतरे पर बैठी है और गा रही है। वो थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं दोनों, और मीरा का गाना सुनते हैं। अब मीरा गा रही है, मीरा क्या गा रही है, वो कहती है, तुम बिन मेरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी, तुम बिन मेरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल की छवि न्यारी, भरी सभा में द्रौपदी ठाड़ी, राखोला
हमारी मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहारी, तुम बिन मेरी कौन खबर ले, गोवर्धन गिरधारी। तो गा रही है मीरा जी, गाने में मगन है। और गुरु रविदास जी सुनते हैं, कहते हैं धन्य है मीरा, तू धन्य है, इतना सुंदर गायन, इतना सुंदर गाती है। राव दूधा कहते हैं, बेटी देखो कौन आए हैं। अब मीरा जी देखती हैं कि रविदास जी आए हैं और दौड़ पड़ती हैं। कहती हैं, हमारा परम सौभाग्य जो आप जैसे महात्मा हमारे यहाँ पधारे। नतमस्तक होती हैं, प्रणाम करती हैं मीरा। राव दूधा कहते हैं, महाराज इस मीरा की लो तो भगवान में लगी है, इसका मार्गदर्शन कीजिए। अब रविदास जी जो चबूतरा बना हुआ था जहां पे मीरा बैठी हुई थी, वहां पे अपनी जो मृग छाला है वो बिछाते हैं और वहां बैठते हैं कि राजन मेरे संध्या पूजन का समय होने वाला है, पहले मैं अपनी ये पूजा कर लूं और अपने गिरधर गोपाल को भोग लगा लूं, फिर मैं इस विषय पे चर्चा करूंगा। अब राव दूधा मीरा से कहते हैं कि बेटी मीरा, जा जरा पूजा की सामग्री तो ले आ, महाराज जी पूजा करेंगे। मीरा जाती है। अब राव दूधा गुरु जी से कह रहे हैं कि आप तो जानते ही हैं कि मीरा की माँ इसको अल्पायु में ही छोड़कर परलोक सिधार गई थी, तब से मैंने इसे अपने पास बुला लिया था। मैं चाहता हूं कि इसका किसी योग्य वर से संबंध कर दूं, मैं इसकी भक्ति में बाधक नहीं बनना चाहता, कि कहीं पर ये सोचता हूं कि कहीं इसकी भक्ति इसके विवाह में बाधा ना डाले, बस यही चिंता है। अब रविदास जी कहते हैं कि राजन मुझे तो तुम्हारी ये बालिका अलौकिक शक्ति वाली जान पड़ती है, श्री कृष्ण के प्रति इसकी भक्ति पवित्र और अटूट है, आज मैं इसकी परीक्षा भी ले लूंगा, तभी कुछ कहा जा सकेगा। उसी समय मीरा आती है और हाथ में पूजा सामग्री ली हुई है गुरुदेव जी के लिए, थाल लिया हुआ है, जल का लोटा लिया हुआ है, और वो राव दूधा जी को दे देती है। और मीरा जो है गुरु रविदास जी से कहती है कि आप तनिक उठिए, उठने का कष्ट कीजिए, मैं इस चबूतरे पर थोड़ा जल छिड़क दूं। अब रविदास जी चबूतरे से उठ के नीचे खड़े हो जाते हैं और मीरा जो मृग छाला रविदास जी ने बिछाई थी वो हटाकर वहां पे जल छिड़क देती है, और उसके बाद दोबारा मृग छाला बिछा देती है, जल का लोटा वहां रखती है और फिर गुरु रविदास जी से कहती है कि आइए महाराज पधारिए। रविदास जी मृग छाला पर अपना आसन ग्रहण करती हैं और जो पूजन सामग्री का सामान वहां रख देती हैं, अपने कंधे पे एक झोला उन्होंने लटका रखा है गुरु रविदास जी ने, वो झोला उतारती हैं और उसमें से एक सिंहासन निकालती हैं जिसमें गिरधर गोपाल जी की बहुत सुंदर मूर्ति है। सिंहासन को सामने विराजते हैं तो मीरा एकटक गिरधर गोपाल की मूर्ति को निहारती है। रविदास जी ध्यान मग्न होते हैं। मीरा और राव दूधा दोनों चबूतरे के पास जो घास पर बिछी हुई थी, घास थी, वहां पे जाके बैठ जाते हैं। गुरु रविदास जी धूप दीप जलाते हैं और सूरदास जी का पद गाते हैं। अब गुरु रविदास जी सूरदास जी के पद गा रहे हैं, चरण कमल बंधौ हरि राई, चरण कमल बंधौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंधौ हरि राई, बहिरो सुनई मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, रंग चले सिर
सिर छात्र धराई चरण कमल बंधो हरि राई सूरदास स्वामी करुणा में सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो तिहि पाई चरण कमल बंधो हरि राई। पूजा समाप्त होती है गुरु रविदास जी की, और जो राव दूधा जी हैं मीरा जी वो आरती लेती हैं। अब गुरु रविदास जी दोनों को कहते हैं कि चबूतरे पे आके बैठ जाओ। दोनों चबूतरे पे बैठ जाते हैं। अच्छा बेटी मीरा, और गुरु रविदास जी पूछते हैं तेरी क्या इच्छा है? तो मीरा कहती है महाराज मैं हृदय में आपको अपना गुरु मान चुकी हूं, अब मेरा कल्याण आपके हाथ है। रविदास जी कहते हैं मेरा आशीर्वाद है। तो मीरा जी कहती है कि एक वस्तु मांगू महाराज। गुरु जी कहते हैं बिना संकोच के मांगो मीरा। महाराज ये जो गिरधर गोपाल जी की मूर्ति है आपके पास, ये मुझे दे दीजिए। मोर मुकुट धारे अधर पर मुरली रखे गिरधर, कितने सुंदर लग रहे हैं। जब से मैंने इन्हें देखा है मीरा तो रोम रोम आनंदित हो उठा है। इतनी कृपा कीजिए ना गुरुवर, गिरधर गोपाल को मुझे दे दीजिए। अब राव दूधा कहते हैं अरे मीरा तुम्हें और मूर्ति दिला देंगे, गुरुदेव जी को इन्हें देने में कष्ट होगा, ये क्यों मांग रही हो? तो मीरा कहती है क्यों महाराज, गुरु जी से पूछती है क्यों महाराज ऐसा है क्या, आपको कष्ट होगा? अब गुरु रविदास जी तो सोच में पड़ गए। अब मीरा फिर कहती है किस सोच में महाराज? रविदास जी कहते हैं कि यही कि तुमने मांगा भी तो क्या, मुझसे मेरे ही आराध्य को मांग लिया, इनके अभाव में मैं कैसे, वो सोच रहे हैं मैं कैसे रहूंगा। महाराज आप तो परम दयालु हैं, क्या आप मेरा इतना सा आग्रह भी स्वीकार नहीं करेंगे? रविदास जी कहते हैं अच्छा ठीक है तू एक पद सुना फिर हम तुझे ये दे देंगे। अब मीरा जी कहती है अच्छा आप मुझे दे देंगे ना? रविदास जी कहते हैं हाँ पहले सुना तो। अब मीरा जी भाव विभोर होकर ये पद गाती हैं। मन रे परसी हरि के चरण, मन रे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविध ज्वाला धरन, मन रे परसी हरि के चरण, जिन चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी धरण, मन रे परसी हरि के चरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीन्हे, जिन चरण ध्रुव अटल कीन्हे, राखी अपनी शरण, मन रे परसी हरि के चरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेटियो, नख सिख सिरी धरन, नख सिख सिरी धरन, मन रे परसी हरि के चरण, जिन चरण प्रभु परसी लीनो, तरी गौतम चरणी, जिन चरण धारियो गोवर्धन, गर्भ मधवाहरन, मन रे परसी हरि के चरण, दासी मीरा लाल गिरिधर, दासी मीरा लाल गिरिधर, अगम तारन तरन, मन रे परसी हरि के चरण, मन रे परसी हरि के चरण। जैसे ही ये पद समाप्त होता है, जिस सिंहासन पर गोवर्धन गिरधारी जी विराजमान थे वो धीरे धीरे अपने आप मीरा जी की ओर खिसकने लगता है।
तो वहां पे उस समय राव दूधा जी हैं और गुरु रविदास जी हैं। दोनों देख के आश्चर्यचकित हो जाते कि पद के समाप्त होते होते पूरा सिंहासन गोवर्धन के धारी जी का मीरा जी के पास पहुंच गया और उनके पास आके ठहर वाह, जाता है। तो मीरा जी गिरधर गोपाल जी के चरण स्पर्श करती हैं और गुरु रविदास जी कहते हैं कि धन्य है मीरा, तू धन्य है, आज निर्णय हो गया कि गिरधर गोपाल की सेवा तू मुझसे अधिक अच्छा करेगी, तू ही इनकी अधिकारिणी है, तू इन्हें सहर्ष ग्रहण कर। और मीरा उठती है और सिंहासन से गिरधर गोपाल जी की मूर्ति उठा लेती है और मूर्ति को हाथ में लेकर उन्मत्त हो गाने लगती है, पायो जी माने राम रतन धन पायो, पायो जी माने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी वाह मारे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी माने जी, नाम धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो, पायो जी माने धन मैंने पायो, खर्चे नहीं खूटे कोई चोर न ले वे, दिन दिन बाड़ा तसवायो, दिन दिन बाड़ा तसवायो, पायो जी माने नाम रतन धन पायो, सत की नाम खेवटिया सतगुरु, सत की नाम खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरियायो, पायो जी माने नाम रतन वाह धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु नागर, हरसी हरसी जस गायो, पायो जी माने नाम रतन धन पायो, पायो, जी माने नाम रतन धन पायो। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। आज आगे की जय। प्रश्न चर्चा अगले दिन के लिए है। जय बापू। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा, मैंने जो सुना है, भी ये जो राव दादू, ये इनके दादा थे, ये इसमें माता पिता बताए हैं। इनके दादाजी बहुत जुड़े हुए थे मीरा जी के, ना बहुत, तो इस तरह, तो इसलिए इनके ऊपर बड़ा असर हुआ उनका, दादाजी का। एनीवे, चलो, बहुत सुंदर प्रसंग आपने सुनाया, बहुत बढ़िया तरीके से। धन्यवाद रोजी। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, कविता आगे बढ़ाओ जी। धन ये दादा दादी तो हैं इनके, है ना, दादा दादी हैं इनके। राव दूधा जी जो ये वो ही दादा है जी ना, वो हैं। हाँ जी दादा ही बताया। हाँ जी, ठीक है। हाँ, राव दूधा जी की पत्नी प्रभावती जी हैं। बहुत बढ़िया। और ये मीरा जी का क्या कहना, देख लो, ये अभी तो कुछ ही साल हुए मेरा, कितने 500-700 साल हुए होंगे मीरा जी को, ज्यादा तो नहीं हुआ ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी, ये। इसी युग में आए कमाल। चलो, हाँ जी, कुछ और सुनाओ जी, कौन सुना रहा है?
भैया मैं ही बोलूं आज दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।